जिसका घर टूटता उससे पूछ, जाकर कान में से खून जाएगा वैसा जवाब मिलेगा। हैसियत मेरे औकात मेरे, तेरी उम्र नहीं है अभी पांव हाथों में आने की। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद असर, आपका छोटा भाई, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का एक छोटा सा वर्कर, आपके सामने फिर से हाजिर हुआ ये वीडियो के जरिए। ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है कि आरएसएस की गोद ली हुई नाजायज़ औलाद जिसका नाम सफदर है, जो शहर हैदराबाद में एक नया शोशा लेकर बदतमीज सलीम के नक्शे कदम पर चल रहा है। आए दिन देख रहे होंगे आपके पोस्ट, आए दिन देख रहे होंगे मजलिस के कायदीन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को बदनाम करना और हैदराबाद की गयूर मुसलमान आवाम को जो है सो बदनाम करने का एक मनसूबाबंद तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए ये किलर्स, जो है सो मीर जाफर मीर सादिक की हकीकी औलाद और जो है सो भारतीय जनता पार्टी की गोद ली हुई नस्ल, आए दिन एक नया शोशा डालता है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को बदनाम करने का। अब एक शोशा डाला है हैदरा के मामले में, जो है सो अवेसी एक्सीलेंस स्कूल फातिमा, वो जो है सो बताकर एक फेक पोस्ट डालकर जो है सो हैदराबाद की आवाम को गुमराह कर रहा। सबसे पहले ये बोलूँगा हैदरा के मामले में जाना रे जो है सो DFL, जाना गच्ची बोली, जाना जो है सो DLFL के जितने बिल्डिंग्स है वहाँ पर जाके वीडियो बनाकर बता हुकूमत को, वहाँ नहीं जाएंगे, आएंगे तो सिर्फ ओल्ड सिटी में मुसलमानों की बात करेंगे। ये BJP RSS की गोदली हुई नाजायज़ और नाहक की औलाद जो पैसे के दम पर बोलना सीखी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर, वहाँ नहीं जाएंगे, आएंगे तो मुसलमानों को, ये हम में से ही लेते हैं, ये हम में से ही चुनकर जो है सो गद्दारा, ये गद्दारों को पैदा कर ये गोदली हुई नाजायज़ औलाद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर पैसे लेकर बोलती सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर। ये RSS का BJP का पाला हुआ एजेंट जो नाम का मुसलमान है लेकिन है तो मुसलमान नहीं, कौम को गुमराह करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को बदनाम करने के लिए मनसूबाबंद तरीके से बहुत बड़ी साजिश रच रहे ये चंदा गैंग जो है सो करेंगी तो कुछ नहीं, 20 से 25 हज़ार बच्चों का मुस्तकबिल है वहाँ पर, लेकिन वो नहीं 40 को तो पढ़ाएंगे नहीं, अगर 4 को पढ़ाएंगे भी तो चंदा चोरी करके चंदे का धंधा करके, पूरी चंदा गैंग चड्डी गैंग मिलके जो है सो 40 को नहीं पढ़ा सकती, 4 को पढ़ाई भी तो चंदा लेके पढ़ाती, चंदा करोड़ों रुपए चंदा लेके 20% के नाम पे 4 को पढ़ा के ड्रामा करते। 20 हज़ार बच्चों का मुस्तकबिल है, सोच रहे RSS के दल्ले, RS के चड्डी पहनी हुई नस्ल, वो बदतमीज सलीम को हम जो है सो हैदराबाद का एंटरटेनमेंट है बोल के छोड़ देते, तू जो है सो बदतमीज सलीम के नक्शे कदम पे चल रहा तो आज अच्छे तरीके से तेरा जवाब देता हूँ सोशल मीडिया पे। सुना, औकात और हैसियत में रह के बात कर सफदर, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएगा तो उसका करारा जवाब मिलेगा, कान में से खून जाएगा वैसा जवाब मिलेगा। फैक्ट पे बात कर, हमारे को भी तेरा जवाब देने अच्छी तरीके से आता, और ये गोदली भी नाजायज़ औलाद फिरखा परस्त ताकतों की पैसे लेकर अपना मुस्तकबिल, जिसका घर टूटता उससे पूछ जाकर, जो हैदरा का जो मामला है गौर गरीब पे कल के दिन वो जो कानून इस्तेमाल होगा उसका घर जब टूटेगा तो उसकी हाय और जो है सो उसकी बदवा जब लगेंगी तो मालूम होगा तुम लोग, क्या मालूम रे, 4 किताबें पढ़ लेके आ गए, मजलिस ऐसी मजलिस वैसी, गोदली भी नाजायज़ औलाद की टीम में से निकला हुआ तू भी एक चड्डी का एक प्यादा है। सुना।